सो दिस इज द केस बिटवीन हेडले एंड बैक्स एंडले जो कि हुआ था 1854 में आइए इस केस के बारे में जानते हैं so, सो इस केस में क्या होता है दैट हेडले एक मिल्क मालिक है वो मिल्क मिल बंद मिल्क सो इस केस में क्या होता है दैट हेडले एक मिल का मालिक है ठीक है और वो मिल बंद करनी पड़ जाती है बिकॉज़ वहाँ पे जो स्टीम इंजन है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ क्रेंक शाफ्ट वो ख़राब हो जाता है ठीक है उस मिल का तो हेडले बात करता है बैक्सनडेल से बैक्सनडेल कौन है बैक्सन इज़ द ट्रांसपोर्टर तो बैक्सनडेल का क्या काम होता है यहाँ पे बैक्सनडेल हैज़ टू ट्रांसपोर्ट द क्रेंक शाफ्ट टू द लोकेशन ऑफ द जहाँ पे रिपेयर होगी वो क्रैंक शाफ्ट ठीक है वहाँ तक पहुंचाना और ठीक करा के वापस लेके आना हेडले के पास तक ठीक है लेकिन बैक्सन डेल ने बैक्सन डेल की गलती की वजह से जो क्रैंक शाफ्ट है जो जिस दिन वापस पहुंचानी थी उससे एक हफ्ते बाद पहुंचती है हेडले के पास तक ठीक है एक हफ्ता लेट पहुंचती है जिसकी वजह से उस टाइम पे हेडले की मिल तो आउट ऑफ ऑपरेशन थी वहाँ पे तो काम बंद था ठीक है इसलिए हेडले को नुकसान हुआ वहाँ पे इसीलिए हेडले ने सीव कर दिया बैक्सन डेल को टू रिकवर डैमेजेस फॉर सच डिले उस डिले की वजह से जो हेडले को नुकसान हुआ है अपनी मिल को बंद रखने की वजह से उसके लिए बैक्सन डेल को स्यू कर दिया ठीक है टू रिकवर डैमेजेस सो आइए देखते हैं हम क्लेमेंट और डिफेंडेंट अपना अपना क्या पॉइंट रखते हैं कोर्ट में ठीक है क्लेमेंट दैट इज हेडले वो कहता है दैट बैक्सन डेल ने डिस्प्ले करा है प्रोफेशनल नेग्लिजेंस जिसकी वजह से उसकी जो मिल है वो एक हफ्ता एक्स्ट्रा बंद रही जिसकी वजह से उसको जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है उसका क्लेम मांग रहा है हेडले ठीक है अब बैक्सनडेल क्या कहता है दैट मेरे से क्लेम मांगना सही एक्शन नहीं है दैट इज़ अनरी ठीक है क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्रैंकशाफ्ट की वजह से मिल बंद हो जाएगी ठीक है उसे नहीं पता था ये सो कोर्ट क्या हेल्ड करती है यहाँ पे कोर्ट कहती है दैट वेल द ब्रीच बाय डिफेंडेंट वाज द एक्चुअल कॉज ऑफ द लॉस्ट प्रॉफिट्स ऑफ प्लेंटिव यानी कि बैक्सन की गलती की वजह से ही हेडले को नुकसान हुआ है ठीक है दैट इज़ फॉर श्योर बट इट कैन नॉट बी सेड दैट अंडर circumstances such सच लॉस naturally नेचुरली this दिस टाइप ऑफ ब्रिज ठीक है इस ब्रीच की वजह से जो लॉस अराइज हुआ है दैट डज नॉट बिलोंग टू ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज ठीक है ये लॉस ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज को बिलोंग नहीं करता ठीक है देर इज मल्टीट्यूड ऑफ रीजन फॉर अ मिलर टू सेंड अ क्रैंक शाफ्ट टू अ थर्ड पार्टी काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं फॉर अ मिलर टू सेंड अ क्रैंक शाफ्ट टू अ थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि मिलर क्रैंकशाफ्ट इसलिए भेज रहा है क्योंकि उसकी मिल बंद पड़ी है दैट इज़ नॉट द ओनली रीजन ठीक है डिफेंडेंट हैड नो वे ऑफ नोइंग दैट देयर ब्रीच वुड कॉज अ लॉन्गर शट डाउन ऑफ द मिल रिजल्टिंग इन लॉस प्रॉफिट्स डिफेंडेंट यानी कि बैक्सेंडल को नहीं पता था कि भैया मेरे ब्रीच की वजह से कि क्रैंकशाफ्ट की, की वजह से क्रैंकशाफ्ट अगर देर से लौटाऊंगा मैं तो उसकी मिल हैडले की मिल बंद पड़ी रहेगी उसको नुकसान होगा प्रॉफिट्स का ये नहीं पता था बैक्सेंडल को ठीक है फर्दर प्लेंटिव नेवर कॉम्युनिकेटेड द स्पेशल सर्कमस्टेंसेज टू डिफेंडेंट नॉट डिफेंडेंट नो ऑफ द स्पेशल सर्कमस्टेंसेज ये स्पेशल सर्कम्स्टेंसेज क्या है दैट कि क्रैप शाफ्ट की वजह से मिल बंद पड़ी है दिस स्पेशल सर्कम्स्टेंस ऑफ द प्लेंटिव वॉज नॉट कॉम्युनिकेटेड टू द डिफेंडेंट ठीक है देर फॉर प्लेंटिव इज नॉट एंटाइटल टू एनी स्पेशल डैमेज ठीक है यहाँ पर डिफेंडेंट की गलती है डिफेंडेंट ने ब्रीच करा है लेकिन दैट ब्रीच वुड रिजल्ट इन दैट लॉस वॉज नॉट नोन बाय द डिफेंडेंट ठीक है ये डिफेंडेंट को नहीं पता था एंड एंड अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज ये किसी को भी नहीं पता होता ये, ऐसा लॉस अराइज हो जाएगा प्लेटिव को ठीक है इट दैट लॉस बिलोंग टू स्पेशल सर्कमस्टेंस ठीक है एंड इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू द डिफेंडेंट सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मीन दिस वीडियो